मानव सभ्यता के विकास में नदियों की भूमिका सदा से ही महत्वपूर्ण रही है। जल के अतिरिक्त नदियां निर्माण कार्यों हेतु रेता, बजरी, पत्थर आदि भी देती रही है। यहाँ पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चे शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता से वंचित रह जाते हैं। ऐसे प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि की बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने की संकल्पना के साथ देवभूमि मुस्कान योजना का शुभारंभ हुआ। संकल्पना थी जिलाधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार की। जब मैं सरस्वती अनुराग की यहाँ पर अभियान जो एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है सरस्वती अभियान, उसकी जब मैं समीक्षा कर रहा था, उसमें मुझे पता चला कि हमारे जनपद में केवल 150 बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जाते। इन बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत दूर की बात है। बेसिक जो इनकी नीड्स है वो भी बच्चों की पूरी नहीं हो पा रही। तो हमने एक प्रयास किया कि क्यों नहीं हम कोई इस तरह के कार्यक्रम शुरू करें कि कम से कम बच्चों के बारे में सोच सकें कि कितने बच्चे आ गए। उद्देश्य ये कि कैसे हम इनको मोटिवेट करें। सन 2004-05 में गोला नदी के 3 केंद्रों से प्रारंभ हुई शिक्षा की यह अभिनव यात्रा आज 23 केंद्रों तक पहुंच चुकी है, जिसमें नंदौर नदी के खनन मजदूरों के बच्चों के लिए संचालित किए जा रहे 5 केंद्र भी शामिल हैं। रेता लगाते थे, पत्थर उठाते थे, स्कूल में पढ़ते तो अच्छा लगता है। पापा के साथ काम करने जाता था, पत्थर लगाता था, रेता लगाता था, स्कूल में जाता था, पढ़ने बहुत मजा आता। हम होली तक रहेंगे। हमारे बच्चे पहले मिट्टी में खेलते थे, अब पढ़ लिख के अच्छे रहते हैं। वे बच्चे जो दिन रात अपने माता पिता के साथ श्रम करते नजर आते थे, आज साफ सुथरी पोशाकों में मुस्कान केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करते हुए फूले नहीं समाते। केला सब्जी में आता है या फल में आता है? फल में आता है ना। और ये क्या है? फूल है ना, काय का फूल है। सरकार द्वारा इन केंद्रों में बच्चों को निःशुल्क पठन पाठन की सामग्री, पोशाक, पुष्टाहार, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। CDS के द्वारा इनको प्री स्कूल किट और मेडिसिन किट का वितरण किया गया हुआ है। वन विभाग के द्वारा बच्चों को स्कूल की ड्रेस दी गई हुई है, और इसके बाद चिकित्सा विभाग के द्वारा ICDS के सहयोग से यहाँ पे हमने स्वास्थ्य कैंप लगाया हुआ है, जिसमें बच्चों का और महिलाओं का टीकाकरण किया गया हुआ है, और पोषाहार भी हमारा इनके द्वारा कुकडू फूड में जो है बच्चों को दिया जा रहा है। कभी दूर दूर तक श्रम ही श्रम नजर आने वाली इन बस्तियों में 14 वर्ष तक के बच्चों के पठन पाठन की किलकारियां आज नजर आती हैं। हम नंदौर खनन क्षेत्र में जो हमारे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए, और जो हमारी गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाएं। नंदौर नदी में जो खनन कार्य चल रहा है, उनके मजदूरों के बच्चों के लिए उत्तरांचल पन विकास निगम द्वारा जगह जो हमारी चौकियाँ हैं, जहाँ हमारे निकासी गेट हैं, वहाँ से
वहाँ पर हमारे द्वारा जो है बच्चों के लिए वहाँ पर पढ़ाई के लिए एक टेम्पररी हट्स झोपड़ी हम लोगों की बनाई जा रही है। जितने भी लेबर के बच्चे वहाँ पर हैं सब आते हैं वहाँ पर जो है वर्दी में रहते हैं। तो एक ऐसा है कि ये लगता है कि यहाँ पर कुछ मजदूरों के बच्चों के लिए जो खनन में लगे हैं उनके लिए कुछ सरकार कुछ कर रही है और हर विभाग का इसमें अपना जो है अपना जो भी उनका रोल है जो भी उनको मतलब जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अच्छी तरह अपना पूर्ण निर्वाह हो सका। चंदा मामा आओ ना दूध मिलाई मीठी लोरी गाओ ना गगा में सुलाओ ना। क्या नाम है आपका? कमलेश मेरा नाम। अरे कमलेश यहाँ पे आ रहे हो स्कूल में पढ़ने के लिए, पहले स्कूल जाते थे क्या? नहीं। अच्छा तो यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हो आप, क्या क्या मिला आपको यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे क्या क्या मिला आपको? कपड़े मोजे मुड़ा टोपा। खनन मजदूरों के बच्चों तक ही सीमित नहीं रही देवभूमि मुस्कान योजना, आज इनका विस्तार आवासीय एवं औद्योगिक इकाइयों के निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के बच्चों की शिक्षा तक हो चुका है। इन केंद्रों में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वस्थ मनोरंजन एवं शारीरिक विकास हेतु खेल कूद की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और जब मैं इनके साथ काम करने के लिए यहाँ पर आई तो मैंने सबसे पहले इन बच्चों का परिचय जानना चाहा, उनसे जानना चाहा कि आपको पसंद क्या है। तो इनकी पसंद बहुत अलग से निकल के आई। मैक्सिमम जो बच्चे थे, ज़्यादातर बच्चे थे, उनको जो पसंद था खाना बनाना पसंद था। ऐसे बच्चे ऐसे थे कि जिनको केवल खेलना से तो बहुत दूर थे वो लोग। अगर एक आध किसी बच्चे ने बोला कि मुझे खेलना, और सिर्फ एक बच्चे ने बोला कि मुझे पढ़ना पसंद है, और सारे बच्चों ने आज तक कभी वो स्कूल ही नहीं गए थे। उनको स्कूल से उन्हें पता नहीं था कि स्कूल में क्या होता है, और स्कूल का मतलब वो सिर्फ मतलब टीचर के मारने से वो जोड़ते थे, और उनसे इसके अलावा कुछ और नहीं। ईंट भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चे भी लाभान्वित होने लगे हैं। देवभूमि मुस्कान योजना में ऐसे बच्चों की कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ईंट भट्टा क्षेत्रों में मुस्कान केंद्रों के समय में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इनके पठन पाठन का समय बदला भी जा सकता है। इन भट्टों में कार्यरत मजदूर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार आदि प्रांतों के हैं। ये श्रमिक अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा देखकर बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे भी ये होगा कि हमारे बच्चे हमें संभालना पड़ते थे दिन भर, वो संभालने से भी हम बच गए हम लोग। जैसे हम यहाँ पर आए, हमारे बच्चे हम सब लोग यहाँ पर 9 महीने के लिए आते हैं। पीछे बरेली। कौन सी जगह बरेली में? बरेली में रहता हूँ, हमारा गांव पड़ता है कुतकपुर, छत्तीसगढ़ के पास। कब तक रहेंगे आप यहाँ? यहाँ पर हमें रहना है 20 जून तक। अच्छा, तो बच्चे आपके पढ़ने के लिए? अभी जब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक तो हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। क्या लाभ मिल रहा है इस स्कूल से? इस स्कूल से हमें लाभ ये मिल रहा है कि हमारे बच्चों की गंदकाई से बच गई है, जो ठंड में घुसते थे वो बच गए। अब यहाँ पर सफाई, साफ सफाई मिल रही है, खाना भी अच्छा मिल रहा है। राम कादरानी है, और सुबह उठते ही मैं काम करती हूँ मम्मी के साथ, ईंटें थापने वाला, और स्कूल भी जाती हूँ पढ़ने। मेरा नाम महावीर है और मैं जिला बदायूं में रहने वाला हूँ, और वहाँ से बिलासपुर आया काम करने के लिए, और वहाँ से अब यहाँ भट्टे पर आ गया हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों ईंटें बनाते हैं, और जो है कि यहाँ पर खुल गया है स्कूल, और बच्चा मेरा पढ़ने जाता है, लड़की मेरी। हम यहाँ ईंटें थापते हैं, यहाँ ईंटें थापते हैं,
स्कूल खुल गया है, पढ़ने आते हैं। जो ईंट भट्टा रामनगर में लेबरर्स के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का मुझे मौका मिला है। उनके साथ काम करना, उनको पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं, मेरे पढ़ाने का अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। बच्चों में बहुत उत्सुकता है पढ़ने की। इन केंद्रों में सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और भगवती ब्रिकफील्ड जो है, ये हमारा यहाँ पर संस्थान है, यहाँ पर ईंट भट्टा है हमारा, और इसमें लेबर जो है ये ज़्यादातर जो है इंटीरियर से आती है, यूपी के यहाँ से, संभल से, बदायूं से, और उस क्षेत्र से आती है जहाँ पर कि पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा ही नहीं है। तो इस योजना से सबसे ज़्यादा हमें लाभ इस बात का हुआ है कि कम से कम हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं और साक्षर तो हो ही जाएंगे कम से कम, और फिर आगे उनको सर्टिफिकेशन हो जाएगा तो जहाँ चाहेंगे आगे जहाँ पर भी जाके पढ़ना चाहेंगे तो उनको वहाँ पर एडमिशन्स मिल जाएंगे। यही काफ़ी हम लोगों के लिए, और हम यहाँ पर सहयोग के रूप में तो कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पा रहे हैं, केवल भवन ही उपलब्ध करा पा रहे हैं। मजदूरों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुलभ होते देख भट्टों के मालिक भी खुश हैं, और उनके द्वारा शिक्षण कार्य हेतु भवनों का निर्माण भी कराया जा रहा है और आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। शिक्षक समुदाय पूरे उत्साह और मनोयोग के साथ अपने कार्य में संलग्न है। इन केंद्रों में शिक्षण कार्य हेतु स्थानीय योग्य अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें पठन पाठन का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा है। सर्वे के बच्चे के स्कूल कौन जाएगा, हमारा टाइम बर्बाद होगा, हम इतने अपने भाई बहनों को संभाल लेंगे। आज तो 10 बजे का स्कूल है तो 9 बजे ही आके सर बैग रुक जाते हैं कि मैडम जी आप देर से आए हो, और 10 बजे से पहले आके सर ये लोग आ जाते हैं। इतनी मतलब जिज्ञासा इनके अंदर है पढ़ने की। एक बार मैंने एक बच्चे को एक होमवर्क दिया तो उसने गलत बनाया, मैंने कहा बेटा ये क्यों बनाया, बोला मैडम जी आज हमने पहली बार तो पेंसिल पकड़ी है। मतलब सुन के इतना अच्छा लगा कि चलिए हमने इनके हाथ में एक पेंसिल तो पकड़ा ही। कितने दिन से पढ़ रहे हो? 2 महीना। तो पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पर? जैसे सही होती है। खाने में क्या क्या खाते हो? खाने में हाँ चावल मिलती है, मसाले के हैं, और दाल चावल मिलती है, और खीर मिलती है। पर कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? यहाँ 294 बच्चे हैं। बुला के लाते हैं घर घर झोंपड़ी झोंपड़ी में जाकर? ठीक है। नदी में जो नदी में भाग जाते हैं? हाँ जी। उन्हें जैसे माँ बाप जो है वहाँ ले जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए? बहुत से ऐसे कहते हैं सर हम यहाँ पढ़ाएंगे या यहाँ कमाई करवाएंगे अपनी। तो उस समय आप क्या करते हैं? तो हम उन्हें समझाते हैं कि यहाँ पढ़ाओगे तो यहाँ बहुत सुविधा मिलेगी, खाने पीने मिलेगी, ड्रेस हम बांट रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ पर 47 है,
ये पहले पूर्व में AI केंद्र महिला बाल विकास समिति रामनगर लखनपुर द्वारा संचालित थी, उनको अब मुस्कान केंद्र में परिणत कर दिया गया है। मेरे 6 AI केंद्र आपके उधमसिंह नगर में हैं और जिसमें 1183 बच्चे इसमें शिक्षा पा रहे हैं। आशा है देवभूमि मुस्कान योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए वरदान साबित होगी।